अब बोलता देखिए, राम सॉरी राम नहीं है, रामा है। रामा एक लड़का है। हाँ बोल दिया, नहीं तो मेरे को रामा तो लड़की दिखता। तो रामा एक लड़का है, उसके पिता की आयु, अब देखो रामा कर दिया, अरे रामा है कि रामा है, नहीं रामा है। उसके पिता की आयु रामा की आयु से दुगुनी है और रामा के दादाजी की आयु रामा के आयु से तिनगुनी है। अरे भैया इस फैमिली में ना एक गुनी दुगुनी तिनगुनी चरगुनी का हिसाब है लगता है। यदि रामा उसके पिता और उनके दादाजी तीनों का आयु का योग 144 वर्ष है तो रामा के पिता की आयु कितनी होगी? अति सरल अति सरल अति सरल। चलिए हम अपने स्टाइल में करते हैं। क्या बोलता है भैया एक गुनी? बोलता है क्या रामा एक लड़का है, उसके पिता की आयु रामा की आयु से दुगुनी है, तो फिर रामा का एक गुनी होगी तो उसके पिता का दुगुना होगा, ठीक है ना? और क्या है, रामा के दादाजी की आयु रामा की आयु से तीन गुनी है, तो रामा की आयु एक गुनी है, पिताजी की दुगुनी है, दादाजी की तिगुनी है। तो हमने जोड़ दिया, कितना गुना हुआ? 3 2 5 1 6। तो मतलब 144 को बड़े आराम से हमने 6 से भागा दे दिया। देखिए ये सब आप लिखेंगे नहीं, आपको समझ में आने के लिए लिख रहा हूं। तो आप 6 से अगर भागा देंगे, मेरा 6 थोड़ा सा छोटा होता है यार, चलो बड़ा कर दिया। तो ये हुआ 24 6 144। तो फिर क्या हुआ, रामा का है 24 साल, एक गुना दुगुना हुआ, बाप का हुआ 48 साल, ठीक है ना? और पिता उसके दादाजी का है 3 गुना, माने 24 72, ठीक है ना? जितना गुना उतना बड़ा अक्षर लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तो रामा के पिता की आयु 48 साल है। 48 में टिक मारिए, सीटी बजाते निकल जाइए एग्जाम हॉल में और बम बम रहिए। कहने का मतलब दोस्त देखी है कितना सहज सरल से चीजों कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 नहीं कर रहा, मैं करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जाऊंगा। 200 250 सवाल करके दिखाऊंगा, हर चैप्टर को करते जाऊंगा, हर इंपॉर्टेंट को करते जाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला है ना कमजोर छात्र अब आपकी बारी है। दिखाओ यार, किसी दुनिया को दिखाओ कितने सहज रूप से चीजों को किया जा सकता है। क्यों हम उन चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं? क्यों क्यों हम, चलो हमें गुरुजी ने सिखाया था उस तरह से, हम क्यों पलट के दूसरे तरह से नहीं सोच सकते? हम उसी चीज को लिए जा रहे हैं जो किताब में उठाई है, उसके पीछे जो दिया हुआ है, आप भी उसी चीज को बता के दिखा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं आप? क्योंकि ज्ञान को जितना सहज और सरल रूप से आप वितरण कीजिएगा उतना ही सही चीज होगा। क्योंकि हम में से जो भी हैं, कोई ग्रुप डी की नौकरी के लिए जा रहे हैं, कोई आपके क्या कहते हैं रेलवे की नौकरी के लिए जा रहे हैं, कोई CHSL की नौकरी के जा रहे हैं, कोई CGL की करने जा रहे हैं, कोई बैंक की करने जा रहे हैं, और इसमें कोई भी ऐसी विधि नहीं बता रहा हूं, कोई ऐसे छोटका फॉर्मूला नहीं कि आपके बेटे को भी आप ये नहीं सिखा सकते। मतलब अगर आप विवाहित हैं तो मैं बोल रहा हूं, या अपने भाई छोटे भाई को नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये एकदम सहज है। जीवन में कभी जब आप कैलकुलेशन करते मनी मन एक्स लेके नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से करेंगे तो मुझवानी चीजों को कर सकेंगे आप। तो चलिए यार बहुत हुआ, अब 1 2 मैथ जो है ना अभी, तो मतलब क्या है, मैंने अभी तक हम करते क्या रहे, उम्र के ऊपर सवाल, बहुत सारे सवाल कर लिए, आप भी देखे होंगे। अगर आपने ये तीनों को देख लिया है चुटकी में हल्का, तो अब हम इसको छोड़ते हैं और आगे कुछ और चैप्टर उठा लेते हैं। चलिए।